से बोला कि वहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही चिमनगंज थाने से, हमारी FIR दर्ज कर ली है लेकिन उन लोगों को पकड़ा नहीं जा रहा है। तो फिर उन्होंने बोला SP कार्यालय जाओ, तो मैं यहाँ पे 12:30-1 बजे की आई हूँ, जब से मैं बैठी हूँ यहाँ से। हाँ मैंने बोला मिलने के लिए, तो उन्होंने बोला हम अर्जेंट मीटिंग में जा रहे हैं, फिर मिलते हैं आपसे। वो 10% केसेस में होते हैं ट्रेस, केवल 10% केसेस में, वो भी ये लिए। 11 बजे से आया गोपाल मंदिर के पास से, पर ये मेरे मकान खाली नहीं कर रहे भैया, वो मारने दौड़ते। अब मेरा बेटा तो है ही नहीं, बेटा दो ही था, भगवान का घर गया, तो मेरा कोई भी नहीं है कहीं। किससे मिलने आए थे आप यहाँ पर? इस हिसाब से आप गई नहीं गाड़ी, उनसे मिलने आए थे, उनने 11 बजे से बिठाया। अब कोई बोले नहीं या आएंगे करेंगे, कोई आया ना करे कहीं। अब संपत भाई तब तक आगे की पूछताछ पुलिस करती नहीं, सपोज ये सही बाइक पे जा रहा होता तो इस बार भी नहीं पकड़ा क्योंकि आपके तो ध्यान, तो फिर पूछताछ में निकले चोर और इसके सारे पिछले रिकॉर्ड। तो चोरी का यही है, जब तक आप उसको किसी चेकिंग से भी छूट जाता है अगर चोरी का माल नहीं है उसके पास। सुनिए नाबालिगों से भी चाकू ना कार का, अरे यार जेल पहुंचाने की तैयारी है वो आदमी। आज सुबह से भूख की बैठ, और एक लड़का और मेरा 4 साल का। यहाँ पे आए थे क्या बोला आपने? अभी मिले नहीं सर मैं आपको। कब से बैठे हो? सुबह से थाना थाना तो लगवा रहे मैं, कहाँ यहाँ की नील गंगा से खारा कुआ से फिर कोठी गंगा थाने वाले के सागर में। अभी तुम्हारी रिपोर्ट अभी यही नहीं ढाई महीने से, तो वो चप्पल घिस घिस के परेशान हो गए, मेरे को थाने तोड़ लगवा रहे। अब मेरे को खारा कुआ बुला रहे काका जो, और एक गुड़िया मेरी 2 साल में, वो कब तक तोड़ लगवाऊँ अकेले? मैं बच्चों को लेके कहा बर्तन मारने जा, भूख हड़ताल करूँगा, लेकिन इसके बावजूद भी आज इतने दिन हो गए, 22 तारीख के बाद में आज की 2 तारीख है, आज तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। मेरे खुद के बयान है, मैं यहाँ पे 11 बजे से लेके 4 बजे अभी तक स्टिल अप टू दिस टाइम मैं बैठा हुआ हूँ। मेरा नाम सुहास महाजन, सुहास ऊपर सुभाष महाजन मेरा नाम है। मैं हाँ मेरे सामने से गए लेकिन ठीक है, मेरी मुलाकात नहीं हो पाई, मैं दौड़ के वहाँ तक नहीं पहुँच पाया, लेकिन मैं यहाँ बैठा था 11 बजे तक, बराबर मैं 11 बजे यहाँ आया और 11 बजे से 4 बजे तक मैं यहाँ बैठा हूँ। अभी भी स्टिल आई एम कंटिन्यू यहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ और अभी वेट कर रहा हूँ, शायद सुना है मैंने कि वो आ रहे करके, तो मैं उनसे मिलूंगा। कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, भूख हड़ताल करने की धमकी देने की, इसके बावजूद भी